अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हम सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम Huawei B2368 राउटर जो है उसका बैंड लॉक और टावर लॉक जो PCI लॉक होता है वो करना सीखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट होता कुछ यूँ है कि आपका जो मॉडम होता है वो खुद डिसाइड करता है कि उसको कौन से बैंड के साथ कनेक्ट होना है, यानी कि एक बैंड के ऊपर जब कंजेस्टेड हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे बैंड में उसको शिफ्ट कर देता है, या जिस बैंड की सर्विस बेहतरीन आपके पास आ रही होती है वो उसको उसकी मूव कर देता है। और बैंड लॉक करने का या PCI लॉक करने का ये फ़ायदा होता है कि आप मुख्तलिफ पैरामीटर्स पर देख सकते हैं कि यार इस बैंड में हमारे पास ये स्पीड आ रही है, इस बैंड में हमारे पास ये स्पीड आ रही है, इस टावर पे हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, इस पे हमें लोअर मिल रहा है। मतलब आप उसको खुद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो बैंड लॉक या PCI का जस्ट यही फ़ायदा है आपको। तो अभी हम इसका IP एड्रेस ओपन करेंगे 192.168.1.1। और अगर हम इसको अगर यूज़र अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो इसमें LTE सेटिंग की जो है ना ऑप्शन नहीं आएगी हमारे पास, बैंड लॉक की या PCI लॉक की। आपको दिखाता हूँ, ये ब्रॉड बैंड में हाल ही अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे मॉडम में ऑप्शन नहीं। हालांकि ये सब मॉडम में ऑप्शन होती है, आपको एडमिन अकाउंट से लॉगिन करना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए अभी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। और अभी अगर मैं इसको अगर एडमिन अकाउंट से लॉगिन करता हूँ तो हमारे पास ये वाली ऑप्शन जो है आ जाएगी, CPE@Huawei। ये इसको मैंने लॉगिन किया और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिम सेटिंग भी आ चुकी है, LTE सेटिंग आ चुकी है। इसको इनेबल करके हम लॉक बैंड, लॉक DLER, FCN और लॉक सेल मतलब टावर लॉक, ये सारे हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी जो है ये LTE सेटिंग में हम देखते हैं कि अभी फ्रिक्वेंसी बैंड 8 पकड़ा है इसने, जिसकी बैंड विथ 5 MHz और टावर नंबर 338 है। ठीक है, और SIGNR 4 है, ये मॉडम ने खुद इसको पकड़ा है। तो अभी मैं इसको, मैं चाहता हूँ कि मैं बैंड 3 पे चलाऊँ, बल्कि इसकी स्पीड टेस्ट कर लेते हैं कि इस पर स्पीड कितनी आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इस कॉन्फ़िगरेशन पे हमारे पास 3-4 MB स्पीड आ रही है, सही है। और अभी मैं इसको जो है ना ब्रॉडबैंड सेटिंग में जाता हूँ, LTE सेटिंग में जाता हूँ, LTE सेटिंग इनेबल करता हूँ, बैंड लॉक 3 करता हूँ कि मोबाइल का 3 बैंड में इस पर लॉक करता है, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ तो मॉडम रीबूट हो जाएगा। रीबूट होने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा उस पर बैंड 3 पर चला गया और उस पर क्या हमें स्पीड मिल रही है। अभी हमारा मॉडम दोबारा लॉगिन हो चुका है, हम दोबारा इसको लॉगिन करेंगे CPE@Huawei पासवर्ड से। यहाँ से स्किप किया, LTE स्टेटस में जाके देखते हैं तो हमारे पास बैंड 3 आ चुका हुआ है। अब इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ सिग्नल 1 आ रहा है, इस वजह से मॉडम ने बैंड दूसरा सिलेक्ट खुद किया था, बैंड 8, क्योंकि इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी आ रही थी। और इसका टावर नंबर जो है ये भी तब्दील हो चुका है, 42 टावर नंबर थे, अब ये सर्विस ले रहे हैं। ठीक है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन पे हम टेस्ट करके देख लेते हैं, शायद हमें इससे बेहतर रिजल्ट मिल जाए या शायद उससे कम मिले, देख लेते हैं अभी। बल्कि देख लें, अभी हमें जो हमने खुद सेटिंग की है उससे हमें काफ़ी अच्छा स्पीड मिल रही है। आपके पास बैंड का और मुख्तलिफ बैंड का नॉलेज होना भी ज़रूरी है इसके लिए। ये देख लें, आपको स्पीड बहुत अच्छी मिल गई है। आपको दिखाता हूँ ब्रॉडबैंड सेटिंग में, LTE सेटिंग में बैंड 3 हमारा सेलेक्ट हुआ पड़ा है। तो अभी हमने इसको मॉडम को बैंड 3 पर लॉक किया तो हमें जो है ना स्पीड बेहतर मिल जाती है। लॉक करने के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। नुकसान इसमें यह होता है कि आपकी जो कैरियर एग्रीगेशन है वो नहीं आती फिर। वैसे तो यह कि मॉडम की अपनी कॉन्फ़िगरेशन, जिन लोगों को आइडिया नहीं है, ज़्यादा पता नहीं है, फिर उनको चाहिए कि ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही इस्तेमाल करें। लेकिन जो लोग एडवांस्ड हैं, थोड़ा जानते बूझते हैं, समझ रखते हैं, वो इसको उनको चाहिए कि वो अगर करना चाहते हैं तो बैंड सेलेक्ट करके मुख्तलिफ रिज़ल्ट मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ रिज़ल्ट वो हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अभी हमारे पास आप देख सकते हैं कि JS 4G की मैंने सिम लगाई हुई है और LTE 900 जो है ना बैंड मेरा कनेक्टेड है, टावर नंबर जो है वो 43 है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और बाकी जो इसके अलावा फ्रिक्वेंसियाँ आ रही हैं, टावर नंबर 338 है, उसकी 900 फ्रिक्वेंसी आ रही है मेरे पास, और जिसकी DLER FCN जो 3748 है। और इसके अलावा टावर नंबर 42 आ रहा है, जिसकी फ्रिक्वेंसी भी 900 MHz है। इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसियाँ आपके इलाके के लिहाज से शो हो रही होती हैं, तो हम जिस टावर और जिस फ्रिक्वेंसी पर, जिस ERFCN पर लॉक करना चाहें, मुख्तलिफ के साथ ला करके देख सकते हैं कि किस पे हमें बेहतर रिजल्ट मिल रहा है, फिर हम उस पर लॉक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सिस्टम के साथ लगा के, और ये मॉडम से चेक करना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, इसका हिसाब लगाना मुश्किल होता है,
तो मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए हम इसको इजीली देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कौन से टावर हैं, उनकी कौन सी फ्रिक्वेंसी हैं, उनके क्या पैरामीटर हैं, फिर हम उन पैरामीटर्स को अपने मोडम के साथ लॉक कर सकते हैं और मुख्तलिफ पैरामीटर पे मुख्तलिफ स्पीडें जो हैं वो देख सकते हैं और जो भी हमें फिट लगता हो हम उस पर उसको फिक्स कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास ये LTE स्टेटस में हम जाके देखते हैं तो ये बैंड हमारे पास बैंड 3 है और टावर नंबर 42 है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज़ आ रही है हमारे पास, ऑटोमेटिक यही आ रही है हमारे पास। LTE सेटिंग में जाके अगर हम इसको टावर को लॉक करना चाहें तो लॉक सेल पे जाएंगे। अच्छा, अब मेरे पास बैंड 43 आ रहा था, बैंड सॉरी टावर नंबर 338 आ रहा था, टावर नंबर 43 आ रहा था, टावर 42 और उसके जिस बैंड से हम करना चाहें हम कर सकते हैं। फ़र्द करें जी मैं बैंड 3 से करता हूँ 1850 फ्रीक्वेंसी पे टावर नंबर 43, बल्कि ठहर जाए बैंड 8 से करते हैं हम कनेक्ट जिसकी ERFCN 3748 शो हो रही थी और टावर नंबर जो है हमारे पास 338 है, हम इस पे इसको लॉक करना चाहते हैं तो इसको हम अप्लाई कर देंगे तो ये सिस्टम हमारा रीबूट होगा, उसके बाद हम इस टावर इस पे आ जाएंगे। मॉडम हमारा रीबूट हो चुका है, अभी हम देखते हैं कि हमने इसको टावर नंबर 338 की बैंड 8 से कनेक्ट किया था, आया उस पर कनेक्टेड है या नहीं है, तो इसको हम चेक करते हैं। LTE स्टेटस में जाके जनाब ये देख सकते हैं कि टावर नंबर 338 से कनेक्ट है। अब ये इसे हिलेगा नहीं, जो हमने फिक्स कर दिया वो कर दिया, जो रन ने कह देता वो कह देता, बैंड 8 हो गया जनाब इसका, अब इसका ये रहेगा, ये LTE सेटिंग में बैंड 8 हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह हम जो है ना, ठीक है जी। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, हमने आज सीखा किस तरह मुख्तलिफ बैंड्स को लॉक कर सकते हैं, किस तरह मुख्तलिफ टावर्स को लॉक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टावर्स की सर्विस आ रही है, कहाँ पे आ रही है, कितनी आ रही है, फिर हम उनको मुख्तलिफ जो है ना बैंड्स पे मुख्तलिफ टावर के साथ मैच करके देख सकते हैं कि किसकी हम बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। अब मेरे पास PTCL की है ना, उसका टावर नंबर 1341 आता है, उसकी सर्विस अच्छी होती है लेकिन उसकी स्पीड बिल्कुल कोई नहीं होती, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है खाली सिग्नल का, तो इसके बरक्स जो है ना एक टावर नंबर 248 है, 238 सॉरी, अब उस पर मुझे उसकी स्पीड जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त मिलती है, सिग्नल कम है तो मैंने उसको उसके ऊपर लॉक किया हुआ है। तो लॉकिंग करने का आपको यही फ़ायदा होता है, ठीक है। बाकी जो लोग नहीं जानते वो इसके साथ ना ही छेड़ें तो बेहतर है, बाकी जिनको बैंड की इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो इसको चेक करके अपना मुतलका बैंड लॉक करके इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी ट्यूटोरियल में।